सीबीएसई के परीक्षा परिणाम हुए घोषित। सिटी सेंटर स्कूल के छात्रों ने बाजी मारी। कुछ दिनों पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित हुए थे, जिसमें प्रदेश से लेकर जिले में सिटी सेंटर स्कूल के छात्रों ने बाजी मारकर परचम फहराया था। और आज सीबीएसई के परीक्षा परिणाम घोषित हुए तो हर वर्ष की भांति सिटी सेंटर स्कूल के छात्रों ने पुनः एक बार झंडा फहरा दिया और 10वीं से लेकर 12वीं के छात्रों ने शानदार परचम फहराते हुए अपने विद्यालय सिटी सेंटर स्कूल का एक बार फिर जिले में अव्वल ला दिया है। आज विद्यालय प्रबंधन के द्वारा सफल हुए छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाकर उनका सबसे पहले तिलकोत्सव कर उनको माल्यार्पण किया। उसके बाद उनके माता पिता को भी स्कूल प्रबंधन ने सम्मान किया। छात्राओं को माल्यार्पण करते स्कूल प्रबंधक के द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम 2024 के अनुसार जिले में बेहतर परीक्षा परिणाम देने के लिए जिले की अग्रणी संस्था सिटी सेंटर स्कूल के कक्षा 12वीं कॉमर्स ग्रुप की छात्रा गुंजन शर्मा ने 94.80% अंक अर्जित कर जिले में प्रथम एवं सिंचल जैन ने 93.40% अंक अर्जित कर जिले की प्रवीण सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसी क्रम में विद्यालय की साइंस संकाय की छात्रा शिक्षा चहर ने 91.40% अंक प्राप्त कर विद्यालय एवं जिले का नाम रोशन किया है। कक्षा 10वीं के छात्र श्रेयांश सिंह ने 96.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा विद्यालय की प्रवीण सूची में देवांशी सिंह 95.20 अंक अर्जित कर द्वितीय, राहुल शर्मा 94.2% अंक, ध्रुव दीक्ष 94%, अंशिका 94%, वैष्णवी तिवारी 93.8, कृतिका शर्मा 92.60, गौरी मिश्रा ने 91.60 एवं सृजन मिश्रा ने 91 अंक अर्जित कर विद्यालय में अव्वल रहकर अपनी शिक्षण संस्था, अपने माता पिता, गुरुजन एवं जिले का नाम एक बार फिर रोशन किया है। इस सफलता पर संस्था के संचालक श्री राजेश शर्मा जी, अध्यक्ष राम नरेश तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी बीएस पाल, राम भरत पाठक, प्राचार्य पीके शर्मा, मनोज मिश्रा, हरवान सिंह सिकरवार गहरवार, डॉक्टर प्रभात पाठक, आलोक शर्मा, पुनीत शर्मा, संतोष श्रीवास्तव, सुनील शर्मा, शिव कुमार शुक्ला, पवन भदौरिया, कामनी नामदेव, लवली दंडोतिया, ऋचा मुदगल, लवली यादव, पवन प्रकाश चतुर्वेदी, विजय त्रिपाठी एवं मधु जैन सहित सभी शिक्षकों ने सफल छात्र छात्राओं व उनके माता पिता को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सभी सफल छात्र छात्राओं को स्कूल प्रबंधन के द्वारा आज सम्मानित किया गया। सफल हुए छात्र छात्राओं को सिटी सेंटर स्कूल के प्रबंधन के द्वारा आज स्कूल में बुलाकर उनको तिलकोत्सव व माल्यार्पण पहनाकर सम्मानित किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। आज सीबीएसई के परीक्षा परिणाम घोषित हुए जिसमें इस बच्चे ने जिले में 5वीं रैंक पाई है। मैं इसे बातचीत करूंगा, अभी पूछूंगा ये सफलता कैसे पाई है। क्या नाम है आपका? अंशिका तिवारी। कैसे पढ़ाई करती थी आप कि आपने ये मुकाम हासिल किया है? मैं स्टार्टिंग से मतलब दिन का स्टार्टिंग होती थी, स्कूल आती थी, उसके बाद घर पे जाके थोड़ा बहुत करके रेगुलर पढ़ने बैठ जाती थी। उसके बाद थोड़ा पढ़ती थी, कम से कम 3-4 घंटे पढ़ती थी कंसिस्टेंसी के साथ, तो उससे हो जाता था। और फिर खुद की प्रैक्टिस शीट वगैरह करना और स्कूल में मिलते थे हमें वो करना, जिससे हो जाता अच्छे से। आपको लगता था कि हम टॉप करेंगे? मुझे तो नहीं लगता था। इस सफलता के पीछे किसको श्रेय देना चाहते हैं आप? मैं टीचर्स ने बहुत ज़्यादा वो कराया, पीछे से सपोर्ट कराया कि आप ये करो हम आपको ये देंगे, और पेरेंट्स ने भी कराया कि तुम पढ़ो तो हम सप्लाई सब कुछ करेंगे, सब करा है। आप आज के दौर में जो बालक हैं, कई छात्र ऐसे हैं जिनका ये कहना रहता है कि स्कूल ना जाएं, ट्यूशन पढ़ें, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, स्कूल में भी सब कुछ होता है। टीचर्स हमें खुद प्रोवाइड करती हैं, कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। पर ऐसा भी नहीं कि ट्यूशन में भी कुछ नहीं होता, कुछ कुछ अच्छे होते हैं माना, पर हर जगह नहीं होते वो अच्छी जगह, तो स्कूल भी अच्छे होते हैं, जाना चाहिए स्कूल भी। आगे जो जूनियर छात्र हैं आप उनके लिए क्या? जूनियर्स यही है कि सब कहते हैं ना कि 10th मुश्किल होता है, वो बिल्कुल मुश्किल ही होता है। अगर हम कंसिस्टेंसी और रेगुलर के साथ रोज़ दिन पढ़ें तो हो जाता अच्छे से। आगे क्या उम्मीद है? आगे मेरा तो उम्मीद है कि अभी तो 12th हो जाए, उसके बाद नीट की तैयारी कर रही हूँ मैं अच्छे से, डॉक्टर की, न्यूरोसर्जन की। नीट की तैयारी? हाँ, भिंड से रह के कर रही हूँ।
क्या नाम है? अंशिका तिवारी। पिता क्या करते हैं आपके? मेरे पिता मेरे पापा कॉलेज में प्रिंसिपल है। कौन से कॉलेज में? आरएलडी नर्सिंग। प्रमोद भदौरिया की सिटी सेंटर स्कूल से खास रिपोर्ट। आज सीबीएसई का परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें शिक्षा जैन ने प्रदेश में जिला में दूसरे नंबर पर रैंक पाई है। क्या नाम है आपका? कैसे पढ़ाई करती थी आप? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? आपको लगता था कि मुझे इस सफलता प्राप्त होगी? जी, मैं डेली 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी। मैं कोशिश करती थी कि पूरा अपना टारगेट जो है उसको पूरा कर पाऊँ, और मुझे यकीन था कि मैं ये कर दूँगी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप जब ये मुकाम हासिल करने के लिए? 6 से 7 घंटे कोशिश करती थी कि उससे ज़्यादा भी ट्राई करूँ। आपने स्कूल से ही सफलता पी है, कोचिंग पे भी आप अध्ययनरत थी? डेली स्कूल आती थी और मैं डेली स्कूल रेगुलर रहती थी। इस सफलता के पीछे किसको? मैं श्रेय अपने पेरेंट्स को सबसे पहले देना चाहूँगी, और उसके बाद अपने टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल को देना चाहूँगी जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया और मुझे हर चीज़ इतनी अच्छे से समझा। आने वाले बच्चे जो जूनियर हैं आपसे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं चाहूँगी कि वो सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहे, रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ट्राई करें कि वो अच्छे से पढ़ें और रेगुलर स्कूल। आगे क्या मंजिल पाने का क्या ख्वाब है आपका? मैं चाहूँगी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँ। इट्स अ मैटर। ये तय कर लिया है? जी बिल्कुल। मेरे साथ चंचल जैन, जो आज सीबीएसई के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, उनमें दूसरी रैंक पाई है उन्होंने। प्रमोद भदौरिया की रिपोर्ट, सिटी सेंटर स्कूल से। आज सीबीएसई के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें आपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक पाई है, आपको पता है? अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने स्कूल के लिए जिन्होंने मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, मेरे कोचिंग सेंटर, मेरे टीचर्स। मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे हर पॉइंट पर, हर स्टेप पर सपोर्ट किया और मुझे मेरे सारे डाउट्स सबके सॉल्यूशन दिए, मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर सपोर्टिंग मी एंड हेल्पिंग मी टू गेट दिस। ये सफलता जो आपने पाई है, आपको लगता था कि मैं जिले में, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेंगे? एक्चुअली सर, मैं कंफर्म नहीं थी, लेकिन जितना मेरा पोटेंशियल है उसके हिसाब से मैंने मेहनत की है, जिस हिसाब से मैं ज़्यादा ही स्कोर किया है मैंने। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर मैक्स टू मैक्स 6 to 7 hours। कौन से स्कूल? सिटी सेंटर स्कूल। आप कुछ इस सफलता के पीछे किसका श्रेय देना चाहते हो? सर मेरी सफलता के पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने पेरेंट्स को, मेरी मदर, उसके बाद मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, वेदर फ्रॉम स्कूल और वेदर फ्रॉम कोचिंग। मैं डॉक्टर रवि जैन जो मेरे अकाउंट्स के टीचर हैं, अंशिका जैन, मिताली जैन, सारे टीचर्स जितने भी हैं मेरे, मैं इनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया मुझे इस पॉइंट पर आने के लिए। आने वाले समय में जूनियर छात्र हैं आपसे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो? आने वाले समय सर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई को लेके वो कंसिस्टेंट रहें, और मतलब बीच में उस चीज़ को ना ड्रॉप करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने गोल को लेके, अपने पोटेंशियल को लेके उसे और इंक्रीज करने के लिए और मेहनत करें। मतलब एक सबसे बड़ा फैक्ट आ रहा है आज के छात्रों में, जो सबसे बड़ा ये था, स्कूल में रेगुलर पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो ट्यूशन पे पढ़ना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि डेली स्कूल जाना स्कूल पढ़ना चाहिए, तब ये सफलता मिल सकती है कि ट्यूशन पे? सर मेरे हिसाब से अगर आपको स्कूल वाले प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर मतलब पढ़ा रहे हैं, अगर वो तुम्हें सारी तुम्हारी अपनी फुल कैपेसिटी अपना 100% दे रहे हैं, तो आई थिंक स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिमिलरली अगर कोचिंग वाले फुल पोटेंशियल दे रहे हैं अपना प्रॉपर, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारी कैपेबिलिटी जहाँ इंक्रीज़ हो रही है, मैं तो वो चाहूँगी वहाँ बच्चे ज़्यादा अटेंड करें। क्या नाम है आपका? गुंजन शर्मा।